नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे और आज हम चर्चा करेंगे फ्रूटफुल फंक्शंस की। हमने पिछली चर्चा में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जैसे कि मैथ्स फंक्शन का इस्तेमाल किया और इच्छित परिणाम प्राप्त किए। किसी भी फंक्शन को कॉल किए जाने पर वह फंक्शन एक नई वैल्यू जनरेट करता है जिसे किसी वेरिएबल को असाइन किया जाता है या उसे किसी एक्सप्रेशन के पार्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्क्रीन पर यह फंक्शन दिखाया जा रहा है, लेकिन अब तक हमारे द्वारा लिखे गए सभी फंक्शन वॉइड फंक्शन हैं। इसका तात्पर्य है कि ऐसे फंक्शंस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। जैसे इस लेक्चर में हम ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं और उन्हें हम फ्रूटफुल फंक्शन कहेंगे। इसका पहला उदाहरण है एरिया फंक्शन, जो एक डबल वैल्यू को पैरामीटर के रूप में एक्सेप्ट करता है और दिए गए रेडियस के अनुसार किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है। इस प्रोग्राम में सबसे पहली बात जो आपने ध्यान दी होगी वह यह है कि इस प्रोग्राम की फंक्शन डेफिनेशन की शुरुआत अलग है। वॉइड के बजाय, जो कि वॉइड फंक्शन को इंडिकेट करता है, यहां पर डबल लिखा है, जो इंगित करता है कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि डबल टाइप की वैल्यू होगी। साथ ही ध्यान दें कि लास्ट लाइन में रिटर्न स्टेटमेंट का अल्टरनेट फॉर्म है जिसमें रिटर्न वैल्यू शामिल है। इस स्टेटमेंट का अर्थ है इस फंक्शन से आप इमीडिएटली रिटर्न करें और निम्न एक्सप्रेशन का उपयोग रिटर्न वैल्यू के रूप में करें। आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए एक्सप्रेशन आपकी जरूरत के हिसाब से अधिक कॉम्प्लिकेट हो सकता है। इस फंक्शन को हम और अधिक संक्षेप में लिख सकते थे। दूसरी ओर एरिया जैसे टेम्परेरी वेरिएबल्स अक्सर डिबगिंग को आसान बनाते हैं। किसी भी हालात में रिटर्न स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन का टाइप फंक्शन के रिटर्न टाइप से मैच करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब आप डिक्लेयर करते हैं कि रिटर्न टाइप एक डबल टाइप की वैल्यू है तो आप एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि फंक्शन अंततः डबल टाइप की वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। किसी भी एक्सप्रेशन को ना रिटर्न करने पर या गलत टाइप के एक्सप्रेशन को रिटर्न करने पर कंपाइलर एरर मैसेज दे देगा। क्योंकि ये सारे रिटर्न स्टेटमेंट्स अल्टरनेटिव कंडीशनल्स में हैं, अतः इनमें से केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम कोड का वो भाग जो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद दिखाई देता है या किसी भी जगह जहां इसे कभी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, को डेड कोड कहा जाता है। अगर आपके प्रोग्राम में का कोई हिस्सा डेड कोड है तो कुछ कंपाइलर आपको वार्निंग इशू करते हैं। यदि आप रिटर्न स्टेटमेंट को किसी कंडीशनल के अंदर डिफाइन करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रोग्राम कोड के हर संभावित पाथ में रिटर्न स्टेटमेंट डिफाइन किया गया हो। उदाहरण के लिए यह फंक्शन को देखें। स्क्रीन पर दिखाया गया प्रोग्राम सही नहीं है क्योंकि इस प्रोग्राम में यदि x की वैल्यू 0 होती है तो दर्शाई गई कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी और फंक्शन बिना किसी रिटर्न स्टेटमेंट को हिट किए एंड हो जाएगा। दुर्भाग्यवश कई सी कंपाइलर्स इस एरर को डिटेक्ट नहीं करते हैं। नतीजन प्रोग्राम कंपाइल और रन हो सकता है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू 0 हो तो रिटर्न वैल्यू कुछ भी हो सकती है और शायद अलग अलग एनवायरमेंट्स में यह अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। अब तक शायद आपने कुछ प्रोग्राम बना लिए होंगे और कोड को कंपाइल करने पर कंपाइलर द्वारा जनरेट किए गए कंपाइलर एरर को पड़ा होगा और संभवतः इन्हें देखकर आपको खीज भी महसूस हुई होगी। लेकिन जैसे जैसे आप अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं, आपको एहसास होगा कि प्रोग्राम के गलत होने की दशा में कंपाइलर एरर ना प्राप्त होना कंपाइलर एरर प्राप्त होने से कई गुना बड़ी समस्या है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो समझने की कोशिश करते हैं। आप ऑब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को एक्स की कई वैल्यूज के साथ टेस्ट करने पर आपको ऐसा लगता है कि यह सही तरीके से काम करता है,
फिर आप अपना प्रोग्राम किसी और को देते हैं और इसे किसी अन्य एनवायरनमेंट में चलाते हैं, और इस नए एनवायरनमेंट में यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। फिर कई दिन माथापच्ची करने पर आपको पता चलता है कि यह प्रोग्राम में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का इनकरेक्ट इंप्लीमेंटेशन किया गया था। लेकिन अगर आपके कंपाइलर ने समय पर सूचित कर दिया होता तो आप इस समस्या से बच सकते थे। इसलिए अब से यदि कंपाइलर आपके प्रोग्राम में एक एरर बताता है तो आपको खींचना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपनी एरर खोजने और डिबगिंग में नष्ट होने वाले समय की बचत के लिए कंपाइलर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ कंपाइलर्स में ऑप्शन होता है जो उन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट होने के लिए और उन्हें मिलने वाली सभी एरर्स को रिपोर्ट करने के लिए कहता है। अगर आपके कंपाइलर में यह ऑप्शन है तो आपको हर समय इस ऑप्शन को टर्न ऑन रखना चाहिए। वैसे इस बात से हटकर आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैथ्स लाइब्रेरी में फैब्स नाम का एक फंक्शन है जो किसी भी डबल वेरिएबल की एब्सोल्यूट वैल्यू सही ढंग से कैलकुलेट करता है। चलिए अब हम किसी प्रॉब्लम को लेकर उसे सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। इससे आपको यह भी अभ्यास हो जाएगा कि प्रोग्राम को डेवलप करने की प्रोसेस आखिर शुरू कहां से होती है। मान लीजिए आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1y1 और x2y2। हम जानते हैं दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए यह फॉर्मूला है। सबसे पहला स्टेप तो यह है कि सी में यह डिस्टेंस फंक्शन होगा कैसा, मतलब इस फंक्शन के क्या इनपुट्स या पैरामीटर्स होंगे और इसका आउटपुट क्या होगा, यानी ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। इस केस में दो पॉइंट्स पैरामीटर्स हैं और नेचुरली इनको रिप्रेजेंट करने के लिए चार डबल वैल्यूज का प्रयोग करना स्वाभाविक है। रिटर्न वैल्यू डिस्टेंस है, अतः इसको भी डबल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना ही उचित होगा। इस फंक्शन की आउटलाइन को आप कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। यहां पर दर्शाया गया रिटर्न स्टेटमेंट एक प्लेस कीपर है ताकि फंक्शन को कंपाइल करने के बाद वह जो वैल्यू रिटर्न करे उसे दर्शाया जा सके। इस स्टेज में अभी फंक्शन कुछ सार्थक कार्य नहीं करता है, लेकिन फिर भी इस फंक्शन को कंपाइल करना उचित होगा ताकि प्रोग्राम को और अधिक जटिल बनाने से पहले हम सिंटैक्स एरर को ढूंढ सके। इस नए फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमें इसे सैंपल वैल्यूज के साथ कॉल करना होगा, जिसके लिए मेन फंक्शन के किसी भाग में यह निम्नलिखित कोड जोड़ूंगा। मैंने प्रोग्राम में दर्शाई गई इन वैल्यूज को इसलिए चुना ताकि हॉरिजेंटल डिस्टेंस 3 हो और वर्टिकल डिस्टेंस 4 हो। इस तरह रिजल्ट 5 होगा। जब आप एक फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं तो सही उत्तर पहले से जानना उपयोगी होता है। इस बार जब हमने फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स चेक कर लिया तो हम एक एक करके कोड की लाइनों को जोड़ना शुरू करते हैं। हर नई लाइन जोड़ने के बाद फिर से कोड को रिकंपाइल करें तथा रन करें। इस तरह हम यह जान पाएंगे कि किस लाइन को जोड़ने पर एरर प्राप्त हुआ और हम आसानी से एरर को ढूंढकर सही कर सकते हैं। कंप्यूटेशन के अगले चरण में x2-x1 और y2-x1 के डिफरेंस को खोजना है। मैं उन वैल्यूज को dx और dy नाम के टेम्पररी वेरिएबल्स में स्टोर करूंगा। मैंने कोड में आउटपुट स्टेटमेंट्स जोड़े हैं जो मुझे आगे बढ़ने से पहले इंटरमीडिएट वैल्यूज को चेक करने देगा। जब फंक्शन समाप्त हो जाएगा तो मैं आउटपुट स्टेटमेंट्स को रिमूव कर दूंगा। इस तरह के कोड को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोग्राम के निर्माण के लिए सहायक है लेकिन यह फाइनल प्रोडक्ट या प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते हैं। प्रोग्राम के डेवलपमेंट में नेक्स्ट स्टेप है dx और dy की स्क्वायर
कैलकुलेट करना। इसके लिए हम पावर फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल और फास्ट है, इसलिए हम डायरेक्ट दोनों वैल्यूज को खुद से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कैलकुलेशन कर लेंगे। अब मैं फिर से इस चरण में प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूंगा और इंटरमीडिएट वैल्यूज की जांच करूंगा, जो कि मुझे पता है कि 25 होनी चाहिए। अंत में इस रिजल्ट को कंप्यूट करने और रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए स्क्वायर फंक्शन का उपयोग करेंगे। इसके बाद मेन फंक्शन में हमें आउटपुट और रिजल्ट की वैल्यूज की जांच करनी चाहिए। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप एक समय में एक लाइन से अधिक लिखने और डिबग करने में महारत हासिल कर सकते हैं। फिर भी यह इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस आपके डिबगिंग में होने वाला बहुत सा समय बचा लेती है। इस प्रोसेस के प्रमुख पहलू हैं, एक वर्किंग प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करें और छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस करते चलें, ताकि किसी भी पॉइंट पर यदि कोई एरर आती है तो आपको ठीक से पता चल जाएगा कि वह कहां है। इंटरमीडिएटरी वैल्यूज को होल्ड करने के लिए टेम्पररी वेरिएबल्स का उपयोग करें, ताकि आप उनके माध्यम से आउटपुट को चेक कर सकें। एक बार जब प्रोग्राम काम करने लगे तो आप कुछ स्कैफोल्डिंग को निकाल सकते हैं या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंपाउंड एक्सप्रेशन के रूप में कंसोलिडेट कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे ऐसा तभी करें जब ऐसा करने से प्रोग्राम को पढ़ना और समझना मुश्किल ना हो रहा हो। जैसा कि आप अब तक समझ ही गए होंगे, एक बार किसी फंक्शन को डिफाइन करने के बाद आप उसे किसी एक्सप्रेशन के पार्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करके एक नया फंक्शन भी बिल्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको दो पॉइंट्स दिए हैं जिसमें एक सर्कल का सेंटर हो और दूसरा सर्कल के पैरामीटर का एक पॉइंट, और अब वो आपको अगर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने को बोले, मान ले कि सेंटर पॉइंट वेरिएबल xc और yc में स्टोर्ड है और पैरामीटर पॉइंट xp और yp में। पहला स्टेप सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि दो पॉइंट के बीच की दूरी है। सौभाग्य से हमारे पास एक फंक्शन है डिस्टेंस जो ऐसा करता है। दूसरा स्टेप उस रेडियस की सहायता से सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके उसे रिटर्न करना है। दोनों स्टेप्स को एक फंक्शन में रैप करके हम ऐसा लिख सकते हैं। रेडियस और एरिया नाम के टेम्पररी वेरिएबल्स प्रोग्राम के डेवलपमेंट और डिबगिंग के लिए उपयोगी हैं, किंतु एक बार प्रोग्राम काम करने लगे तब हम फंक्शन कॉल की रचना करके इसे अधिक संक्षिप्त बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुलियन वैल्यूज की। अब तक हमने जो वेरिएबल्स के टाइप्स देखे, वे बहुत सी वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे इंटीजर्स हैं और इससे भी अधिक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। इसकी तुलना में करेक्टर्स का सेट बहुत छोटा है। इसके अलावा कई कंप्यूटिंग भाषाएं एक और फंडामेंटल टाइप को इम्प्लीमेंट करती हैं, जो कि और भी छोटा है। इसे बूल कहा जाता है और इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। अनफॉर्चुनेटली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले के वर्जन्स में बुलियन को सेपरेट टाइप के रूप में डिफाइन नहीं किया गया था। उसमें ट्रूथ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर वैल्यूज 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता था। 0 से फॉल्स दर्शाया जाता था और 1 से ट्रू को। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 के अलावा कोई भी इंटीजर वैल्यू को ट्रू ही माना जाता है। बुलियन वैल्यूज के बारे में जाने बिना भी अब तक बुलियन वैल्यूज का उपयोग कर रहे थे, जैसे कि इफ स्टेटमेंट के अंदर की कंडीशन एक बुलियन एक्सप्रेशन है। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट भी एक बुलियन वैल्यू ही है। उदाहरण के लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर दो इंटीजर्स को कंपेयर करता है और बुलियन वैल्यूज प्रोड्यूस करता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि पहले के वर्जन्स में ट्रू या फॉल्स की अभिव्यक्ति के लिए कोई कीवर्ड्स डिफाइन नहीं था। बहुत से प्रोग्राम सी के पुराने वर्जन में
इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों से बुलियन एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं। उदाहरण के लिए, यह प्रोग्राम द्वारा आप एक ऐसा लूप डिफाइन कर सकते हैं हमेशा के लिए, जो कि हमेशा के लिए रन करता रहे, या जब तक एक रिटर्न या ब्रेक स्टेटमेंट तक नहीं पहुंचता तब तक रन करता रहे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुलियन वैल्यूज को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती, इसलिए हम बुलियन टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय प्रोग्रामर्स आमतौर पर ट्रुथ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए शॉर्ट डेटा टाइप को प्री प्रोसेसर डेफिनेशंस के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम की पहली लाइन एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, दूसरी लाइन एक असाइनमेंट है, और तीसरी लाइन एक डिक्लेरेशन और असाइनमेंट का कॉम्बिनेशन है, जिसे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट एक बुलियन है ताकि आप इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और फिर इसे बाद में इस एक कंडीशनल स्टेटमेंट के भाग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के उपयोग किए जाने वाले वेरिएबल्स को फ्लैग कहा जाता है, क्योंकि यह किसी कंडीशन की प्रेजेंस या एब्सेंस को चिन्हित करता है। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट, जिन्हें स्क्रीन पर दिखाए गए तीन सिंबल्स के द्वारा चिन्हित किया जाता है। इन ऑपरेटरों का शब्दार्थ यानी कि अर्थ अंग्रेजी में उनके अर्थ के समान ही है। उदाहरण के लिए, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 10 केवल तभी सत्य होगा यदि x 0 से अधिक है और 10 से कम है। अब स्क्रीन पर एक इक्वेशन दिखाई गई है, यह इक्वेशन ट्रू है यदि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, क्योंकि इस इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन के बीच में हमने और ऑपरेटर का यूज किया है, अर्थात इवन फ्लैग अगर सेट है तो भी यह कंडीशन ट्रू है, या अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो भी यह कंडीशन ट्रू होगी। और अंत में नॉट ऑपरेटर पर बुलियन एक्सप्रेशन को नेगेट या इन्वर्ट करने का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इवन फ्लैग तभी ट्रू है जब इवन फ्लैग फॉल्स है, या तब होगा यदि नंबर ऑड होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स अक्सर नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स को सरल बनाने का एक तरीका प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग करके निम्नलिखित कोड कैसे लिखेंगे। कभी कभी किसी अन्य रिटर्न टाइप की तरह फंक्शन द्वारा बुलियन वैल्यूज को रिटर्न किया जाना उपयोगी होता है। यह विशेष रूप से फंक्शंस के अंदर कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट को छिपाने के लिए सुविधाजनक है। उदाहरण के लिए, इस फंक्शन का नाम है इस सिंगल डिजिट। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, जिसका अर्थ है फिर से हमें उस एग्रीमेंट को फॉलो करना होगा जिसमें 0 को फॉल्स और 1 से ट्रू कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, हालांकि यह सामान्यतः जितना लंबा होना चाहिए था उसकी तुलना में थोड़ा अधिक लंबा है। याद रखें कि एक्सप्रेशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 10 का इवेल्युएशन एक बुलियन वैल्यू के साथ किया जाता है, इसलिए इफ स्टेटमेंट को स्किप करके इसे डायरेक्टली रिटर्न करने में कुछ भी गलत नहीं है। मेन फंक्शन में आप सामान्य तरीके से आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इस कोड की पहली लाइन का आउटपुट ट्रू होगा, क्योंकि 2 एक सिंगल डिजिट नंबर है। दुर्भाग्य से सी बुलियन वैल्यूज को आउटपुट करती है तो यह ट्रू और फॉल्स शब्दों को प्रदर्शित नहीं करती है, बल्कि इंटीजर 1 और 0 को प्रदर्शित करती है। कोड की दूसरी लाइन बिग फ्लैग को ट्रू वैल्यू तभी असाइन करेगी जब 17 एक पॉजिटिव सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा। बुलियन फंक्शंस का सबसे ज्यादा उपयोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर होता है, जैसे अब जब हम ऐसे फंक्शंस को जानते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो हम मेन फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को और अधिक बारीकी से अध्ययन करते हैं। मेन फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है।
मेन फंक्शन द्वारा रिटर्न की जाने वाली वैल्यू जनरली जीरो होती है, जो इंगित करती है कि प्रोग्राम को जो भी करना चाहिए था वह उसमें सफल रहा। यदि कुछ एरर होता है तो रिटर्न वैल्यू माइनस वन होती है या कुछ अन्य वैल्यू होती है, जो कि डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एरर हुआ है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स एग्जिट सक्सेस और एग्जिट फेलियर होते हैं। बेशक आप इस बात से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह वैल्यू किसे रिटर्न होती है, क्योंकि हम खुद कभी मेन फंक्शन को कॉल नहीं करते। यह जान लीजिए कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो यह मेन फंक्शन को उसी प्रकार कॉल करके स्टार्ट होता है जैसे वह किसी अन्य फंक्शन को कॉल करता है। कुछ पैरामीटर भी हैं जिन्हें सिस्टम द्वारा मेन को पास किया जा सकता है, लेकिन इस सब को हम अगले कुछ लेक्चर्स तक विलंबित रखते हैं। अभी के लिए हम मेन फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होते।